प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब हंसी मजाक में एक दूसरे को कभी आलू, कभी बैंगन और कभी कद्दू कहकर बुलाते हो ना। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी भी कद्दू की ही है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आमतौर पर कद्दू 4 से 8 किलोग्राम वजन के होते हैं, परंतु सबसे बड़ा कद्दू कुकरबिटा मैक्सिमा है, जिसका वजन 34 किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि 26 अक्टूबर को नेशनल पम्पकिन डे या राष्ट्रीय कद्दू दिवस मनाया जाता है? अमेरिका में हैलोवीन रिचुअल्स और थैंक्सगिविंग इवेंट्स में कद्दू का उपयोग किया जाता है। कार्विंग पम्पिंग इनटू जैको लैंटर्स, मतलब कद्दू के ऊपर नक्काशी करना, अमेरिका का एक बहुत ही प्रचलित रिवाज है। क्या आपको पता है कि कद्दू खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? कद्दू में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कद्दू शुगर पेशेंट्स या मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह खून में शर्करा या शुगर को नियंत्रित करता है। कद्दू हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारे पेट को हेल्दी रखता है। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको कोई कद्दू कहता है, तो आपको समझना चाहिए कि आप तो बहुत ही हेल्दी हो। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।